मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से नव नियुक्त मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने मंगलवार को स्टेट हैंगर पर मुलाकात की। मुख्य सचिव बनने के बाद गुप्ता की मुख्यमंत्री राजे से यह पहली शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव बनने पर गुप्ता को बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में सोमवार को दिन भर चले सस्पेंस और हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिर रात 11 बजे डीबी गुप्ता ने नए मुख्य सचिव के रूप में चार्ज संभाला। इससे पहले तत्कालीन मुख्य सचिव एनसी गोयल के फेयरवेल पार्टी के बाद भी नए मुख्य सचिव के नाम का करीब चार घंटे बाद तक ऐलान नहीं हो पाया। रात करीब 9:30 बजे वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने मुख्य सचिव के चैम्बर में हैंड ओवर टेक ओवर के लिए बुलाया गया। रात करीब 10:40 पर ये आदेश हुए और 11 बजे डीबी गुप्ता ने सीएस का चार्ज संभाला। गुप्ता प्रदेश के 41वें और इस सरकार के करीब 4.25 साल के कार्यकाल के छठे सीएस होंगे। गोयल आजादी के बाद से ऐसे सीएस रहे जिनका कार्यकाल सबसे कम 4 माह का ही रहा। इस दौरान 4 साल 4 माह में 6 मुख्य सचिव बने हैं। 13 दिसंबर 2013 को राज्य में भाजपा की सरकार बनी, तब से अब तक 4 साल 4 महीने के कार्यकाल में प्रदेश में 6 मुख्य सचिव बनाए गए। इसमें सबसे पहले राजीव महर्षि, फिर सीएस राजन, ओम प्रकाश मीणा, अशोक जैन, एनसी गोयल और अब डीबी गुप्ता राज्य के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। इस दौरान जहां एनसी गोयल का विदाई समारोह आयोजित किया गया, वहीं डीबी गुप्ता ने चार्ज संभालने के बाद कहा कि सरकारी चलने वाली विभिन्न योजनाओं को समय पर क्रियान्वित करना ही मुख्य उद्देश्य रहेगा। मुझे पूरा सेटिस्फेक्शन है जो पिछले 35-36 साल में जो मैंने सेवा की है, तो वो लगभग सभी काम जो मैं करना चाहता था उसमें किए। जो सरकार ने हमारे को दायित्व दिए हैं, स्पेशली जो हमारा 18-19 का बजट आया है और उसमें प्राथमिकताएं निर्धारित हैं, उनके मुताबिक उनको समयबद्ध तरीके से और तेजी से काम को निपटाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं सोमवार देर रात प्रदेश के 81 आईएएस अफसरों के तबादले भी कर दिए गए, जिसमें अलवर जिले में जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी राजन विशाल की जगह प्रकाश राज पुरोहित संभालेंगे। प्रकाश राज पुरोहित 2010 बैच के आईएएस हैं। इनको प्रथम नियुक्ति भी अलवर जिले में मिली थी। 2011 में अलवर जिले के बहरोड़ में एसडीएम रह चुके हैं। वहीं अलवर में एसडीएम रही आईएएस शुभम चौधरी का भी तबादला कर दिया गया है।